दो आंसर फाइंड हो गए, जब हमने इतना मतलब इतना ओम का रेजिस्टेंस लगाया तब कितना करंट है, जब इतना ओम का रेजिस्टेंस लोड पे लगाया तब कितना करंट है। अब पावर फाइंड करना, आरएल फाइंड करना है मैक्सिमम पावर के लिए, कि बोल रहा है कि मैक्सिमम पावर फ्लो होने के लिए कितना आरएल चाहिए। तो जब आपको मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि अगर आपको मैक्सिमम पावर फ्लो कराना है तो लोड रेजिस्टेंस कितना रहना चाहिए। वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आगे अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे एक न्यूमेरिकल जो कि हमारा रिलेटेड होगा मैक्सिमम पावर थ्योरम से, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। मैक्सिमम पावर, अगर इस न्यूमेरिकल को पढ़ना है तो मैक्सिमम पावर थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम पढ़ के आएंगे तो आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से समझ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके वहाँ से दोनों वीडियो देख लीजिए पहले, उसके बाद न्यूमेरिकल पढ़िए। तो इस न्यूमेरिकल में क्या है, चित्र में दिखाए गए परिपथ में धारा का मान निकालें, जबकि आरएल का मान क्या हुआ है 10 ओम और 50 ओम दिया गया। आरएल क्या किया गया है यहाँ पर, दिया हुआ है 10 ओम है और उसके बाद क्या है एक 50 ओम है। तो यहाँ पर आरएल हमारा क्या हुआ है, दिया है 10 ओम और 50 ओम। तो उसके बाद यहाँ पर जो आरएल के स्थान में मान रखा जाएगा, आरएल का मान ज्ञात करो जिसके लिए अधिकतम पावर बहे तथा पावर का मान भी, मतलब यहाँ पर पावर फाइंड करना है। क्या करना है, पावर फाइंड करना है और आरएल का मान फाइंड करना है जिसके लिए मैक्सिमम पावर फ्लो। ओके, तो क्या हुआ कि अब इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें करंट ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, करंट। और करंट हम ज्ञात करने के लिए थेवेनिन थ्योरम का यूज करेंगे। तो थेवेनिन थ्योरम कहता है जिस सर्किट में हमें करंट फाइंड करना है, सर्किट के जिस रेजिस्टेंस में, उसे पहले सर्किट से रिमूव करो। तो इस आरएल वाले में हमें करंट फाइंड करना है तो क्या करना है कि इसे हम पहले सर्किट से रिमूव करेंगे तो हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। हमारा सर्किट जो है कुछ इस प्रकार से जब बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें थेवेनिन थ्योरम लगाने का प्रयास, मतलब थेवेनिन थ्योरम लगाएंगे ही, क्या ट्राई नहीं करना है, उसमें डायरेक्ट थेवेनिन थ्योरम लगा देंगे। ये हमारा क्या है, बन गया है। हमने क्या किया, इस लोड रेजिस्टेंस को यहाँ से रिमूव कर दिया तो हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो थेवेनिन ने कहा जिस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव किए हैं उन दोनों पॉइंटों के बीच वोल्टेज पहले फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए, वोल्टेज। इन दोनों पॉइंटों के बीच क्या वोल्टेज होगा, इन दोनों पॉइंटों के बीच वही वोल्टेज होगा जो कि इस पॉइंट के बीच होगा, पॉइंट सी और डी के बीच। क्यों, क्योंकि ये वाला सर्किट ओपन है जो हमारा ये अब दिख रहा है सी ए बी डी, पहले ये क्लोज सर्किट था जब यहाँ लोड रेजिस्टेंस लगा था, जैसे ही हटा दिए ओपन हो गया है। अब 60 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट तो जाएगा नहीं, करंट इसमें जाएगा सिर्फ 20 ओम 40 ओम। और ये क्या होगा, यहाँ से तो हमें फाइंड कर लेना है कि इस पर कितना वोल्टेज है, लेकिन वोल्टेज फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए इस रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है। अगर करंट पता हो जाएगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेजिस्टेंस में 20 ओम में, तो हमें वोल्टेज फाइंड हो जाएगा। अब करंट कैसे फाइंड करेंगे, इस लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा वही फाइंड कर लेते हैं, पता चल जाएगा 20 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है। तो इसको फाइंड करने के लिए सिंपल सा तरीका, ये दोनों 40 ओम 20 ओम सीरीज में हैं और ये 120 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट फाइंड हो जाएगा आराम से। 120 बटे 40 प्लस 20 मतलब दोनों सीरीज में होने के कारण 60 हो गए, और आ गया हमारा करंट कितना, 2 एम्पियर। मतलब करंट हमारा फाइंड हो गया, 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, वी सी डी फाइंड कर लेंगे, मतलब पॉइंट सी और डी के बीच वोल्टेज फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारा क्या रहेगा 20 ओम गुड़े 2 एम्पियर। हमारा कितना आ गया, 40 वोल्ट आ गए, ये हमारा वाला वोल्टेज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वी ए बी क्या है, इसके बराबर है। तो हमारा वी ए बी क्या आ गया, 40 वोल्ट आ गया। तो हमें वोल्टेज फाइंड हो गया है, जिसे हम वी ए बी के साथ वी टी एच भी बोल सकते हैं, क्योंकि थेवनिन ने बताया था कि उनका जो वोल्टेज फाइंड करना उसे वी टी एच बोलना। अब इसके बाद हमें, अगर वी टी एच फाइंड हो गया है वोल्टेज, तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए उन्होंने कहा था कि उस सर्किट में क्या होगा, जितने भी मतलब पावर सोर्स होंगे उन्हें रिमूव करना है। तो अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट सर्किट से, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट से। तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स ही है, इसे हम शॉर्ट सर्किट से रिमूव करेंगे और देखेंगे कैसे हमारी सर्किट तब हो जाती है। अगर हम इसे शॉर्ट सर्किट से रिमूव करते हैं हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, उसके बाद यहाँ पर एक 20 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये हमारा क्या है, पहले से 60 और 40 ओम का है।
तो जब भी हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे इस सर्किट का पॉइंट ए और बी के बीच, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 40 ओम और ये 20 ओम क्या है, आपस में पैरेलल में है। पैरेलल में होने के कारण इनका हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद जो आएगा वो 60 ओम के साथ सीरीज में रहेगा। तो सबसे पहले इन जब दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, 40 × 20 / 40 + 20, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 800 ऊपर और नीचे हो जाएगा क्या 60, तो ये 101, ये एक एक जीरो कट जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 80/6। तो इसे हम क्या करेंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40/3। तो अभी हमारा आर का मान कितना है, 40/3, लेकिन ये 40/3 किसके, मतलब ये जो 60 ओम है अभी इसके क्या होगा, हमारे सीरीज में होगा। सीरीज में होने के कारण 60 ओम के, तो हम जब आर इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 60 + सीरीज के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला 40/3। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, आ जाता है 73.3, कितना आ जाता है, 73.3 ओम। इस प्रकार से हमने आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया, जिसे हम बोल सकते हैं कि RTH, जो कि हमारा रहेगा क्या, थेवेनिन रेजिस्टेंस 3.3 ओम। तो इस प्रकार से हमारा RTH भी फाइंड हो गया। अब हमें करंट फाइंड करना है, तो हम इसके लिए थेवेनिन सर्किट बनाएंगे। थेवेनिन सर्किट हमारा कैसे बनता है, जब उसका BTH RTH पता हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार का सर्किट बना देते हैं। ये हमारा BTH है, BTH आपको पता ही हो गया 40 वोल्ट, RTH भी पता हो गया 73.3 ओम। और यहाँ पर सिर्फ क्या करना, पॉइंट ए और बी के बीच लोड रेजिस्टेंस लगाना है। तो लोड रेजिस्टेंस हमारा क्या हुआ है, दिया हुआ है, एक बार 10 ओम दिया हुआ है, दूसरा से 50 ओम दिया हुआ, तो एक बार हम 10 ओम का लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने क्या किया, यहाँ पर 10 ओम लगा दिया, तो हमारा क्या आएगा करंट, तो हम करंट फाइंड करेंगे। करंट बराबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 40/73.3 + 10। तो इसे हम जब क्या करेंगे, नीचे ऐड करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 83.3। उसके बाद जब हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा हमारा 0.48 एम्पियर। इतना आ जाएगा करंट हमारा, आई बराबर आ जाएगा 0.48 एम्पियर करंट आ गया, जो हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस लोड में लगेगा। जब हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस लोड में लगेगा तो कितना करंट फ्लो होगा, 0.48 एम्पियर। लेकिन दूसरा है एक थेवेनिन रेजिस्टेंस में, जब हम लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे 50 ओम का, तो उसके लिए हमारा क्या होगा, सर्किट बनाते हैं। तो उसके लिए हमारा सर्किट क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। ये इसमें हम क्या लगा दिए, 50 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिए, और ये 73.3 है और ये 40 है। तब क्या करंट आएगा, तब के लिए हमारा करंट आएगा क्या, 40/73.3 + 50। तो इसे जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 40/123, मतलब 0.3, 123.3। तो जब इसे हम भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.32 एम्पियर। कितना करंट आ जाएगा, 0.32 एम्पियर ये करंट आ गया। जब हमने क्या किया, लोड रेजिस्टेंस के स्थान पर 50 वोल्टेज का लोड लगाया, 50 ओम का लोड लगाया, तो करंट इतना फ्लो होने लगा, ओके। और 10 ओम का जब हमने रेजिस्टेंस लगाया या लोड लगाया, तो करंट हमारा इतना फ्लो होने लगा। ये हमारा क्या हो गया, दो आंसर फाइंड हो गए। जब हमने इतना मतलब इतना ओम का रेजिस्टेंस लगाया तब कितना करंट है, जब इतना ओम का रेजिस्टेंस लोड पे लगाया तब कितना करंट है। अब पावर फाइंड करना, RL फाइंड करना है मैक्सिमम पावर के लिए, कि बोल रहा है कि मैक्सिमम पावर फ्लो होने के लिए कितना RL चाहिए। तो जब आपको मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि अगर आपको मैक्सिमम पावर फ्लो कराना है तो लोड रेजिस्टेंस कितना रहना चाहिए, उसके जितना भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट को एक्रॉस, लोड रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट यही तो हैं, इसके क्रॉस जितना भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, इस लोड रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, तब मैक्सिमम पावर फ्लो करेगा। तो लोड रेजिस्टेंस जो है उसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 73.3। अभी आपने क्या किया, फाइंड किया है इतना ओम है इन दोनों पॉइंट, लोड रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर RL का मान इतना ही हो जाता है 73.3, तो क्या होगा, मैक्सिमम पावर फ्लो करेगा। तो क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर थ्योरम के अनुसार RL का मान अगर इतना होता है इसके RTH के बराबर, RTH जो हमने फाइंड किया है उसके,
तो ऐसे लिखेंगे कि मैक्सिमम पावर थ्योरम के अनुसार यदि हमारा आर एल का मान किसके बराबर होता है आर टी एच के, तो क्या होगा कि हमारा जो होगा उसमें सर्किट में मैक्सिमम पावर फ्लो होगा। तो इस प्रकार से आर एल बराबर क्या हो जाएगा आर टी एच, और हमारा आर एल का मान हो जाएगा 73.3 ओम। ओके, लेकिन अभी हमें मैक्सिमम पावर फाइंड करना है, तो मैक्सिमम पावर फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला वहाँ पर फाइंड किया था, क्या हुआ था हमारा ई स्क्वायर बटे 4 RI। आर आई क्या था, यही हमारा आर टी एच था। आर टी एच अभी यहाँ पर आर टी एच हमने बता दिया, वहाँ पर आर आई था उसके लिए। ओके, तो हम आर टी एच भी लिख सकते हैं। तो हमारा ई स्क्वायर क्या है, ई स्क्वायर हमारा उसका वोल्टेज है जो हमने यहाँ पर फाइंड किया था थेवनिन वोल्टेज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर बटे यहाँ पर 4। आर आई का मान कितना आ जाएगा, आर आई हमारा 73.3 है। तो जब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसे आर आई के स्थान पे आर एल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाला जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1600, और नीचे वाला जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 293.2 आ जाएगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.45। ये हमारा क्या है, पावर फाइंड कर रहे हैं। तो हमारा इसका यूनिट क्या होगा, वाट। ओके, तो ये हमारा कितना वाट आ गया, 5.45 वाट आ गए। मतलब मैक्सिमम पावर कितना आएगा, 5.45 वाट आएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, मैक्सिमम पावर भी फाइंड कर लिया और आर एल भी फाइंड कर लिया। तो हमारे ये चारों क्या हो गए, फाइंड हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। पावर मतलब हम क्या करेंगे, वहाँ पर सोर्स कन्वर्जन सिखाएंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी न्यू चैप्टर के साथ।